गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 7th। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत दिनों बाद आज हम लोग मिल रहे हैं। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 14 स्टार्ट किया था, और प्रैक्टिस सेट 14 में हम लोग चैप्टर 3 एचसीएफ एंड एलसीएम देख रहे हैं। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा हुआ था, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, जिसमें मैंने आप लोग को फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये तीन एग्जाम्पल सॉल्व करके बताए हुए हैं। लास्ट वीडियो में आप लोग को याद होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। और दो होमवर्क मैंने आप लोग को, दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों एग्जांपल आपको होमवर्क थे। तो ये होमवर्क मैंने यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बताया है एज इट इज। इसी तरह से ये एग्जांपल्स आप लोग को करने हैं बेटा। तो कैसे करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। सेकंड नंबर इज 32 एंड 16, इसका हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट करना है। तो हम लोग स्टार्टिंग में इसको इस तरह से कॉलम वाइज बना लेते हैं। 32 और 16 इस तरह से मैंने दोनों संख्या लिख लिए। सबसे पहले हम लोग दो का भाग देंगे, दो 32 को दो से भाग देंगे तो आंसर आएगा 16, और 16 को दो से भाग देंगे तो आंसर आएगा 8। तो इस तरह से पूरा भाग जाने के बाद ये दोनों को दो का भाग जाता है, तो 16 को दो का भाग जाएंगे तो देंगे तो आएगा 8, और 8 को दो का भाग देंगे तो आएगा 4। फिर 8 को दोबारा दो से भाग देंगे तो 4, और 4 को दो से भाग देंगे तो 2। फिर 4 और 2 को दो से भाग देना है तो 4 को दो से भाग देंगे तो 2, और 2 को दो का भाग देंगे तो 1। और बाकी का ये जो आंसर है एज इट इज आप लोग को इसी तरह से रखना है। ये समझ में आप लोग को। एंड देयरफॉर 32 के जो फैक्टर्स हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैसे बेटा, देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब ये दो कितनी बार आएंगे, 5 बार आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया 32 के फैक्टर्स। ये 32 इनको रिप्रेजेंट करता है, ये दो कॉलम को। और ये जो 16 है, 16 में ये कॉलम और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करने की वाले संख्या आप लोग को लिखनी है। तो उसके फैक्टर्स आएंगे 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 4 ही बार 2 को गुणा करना है। तो यहाँ पे 16 के फैक्टर आपको मिल रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2। तो ये दोनों फैक्टर्स लिख लेने के बाद अब हम लोग को सबसे स्टार्टिंग में कैलकुलेट करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैलकुलेट करते समय आप लोग को याद है कि दोनों वैल्यूज में, दोनों मतलब फैक्टर्स में जो भी वैल्यूज कॉमन होती है उन्हीं को हम लोग को लिखना होता है। कि 2, 2, 2 और 2, ये 4, और यहाँ पे 4 बार कॉमन दिख रहे हैं आप लोग को, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 4 ही बार 2 लिखेंगे, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं के बाद आप लोग को आंसर मिलता है बेटा यहाँ पे 16। और फिर एलसीएम जब कैलकुलेट करते हैं तो दोनों में जो संख्या जितनी ज्यादा बार आई हुई होती है उतनी बार उनको लिखना होता है। तो यहाँ पे 2 है जो है वो 4 बार आई हुई है, और यहाँ पे 2 जो है वो 5 बार आई हुई है। तो हम लोग 5 बार जो आई हुई संख्या है 2 की उसको लिखेंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पे मैंने 5 बार वाली 2 की मल्टीप्लीकेशन वाली संख्या लिखी, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है बेटा 32। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो इस तरह से आप लोग को आखिरी में फाइनली यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बना के लिखना है, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 16 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 32। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। और अब हम लोग चलेंगे फोर्थ प्रॉब्लम की तरफ, 23 और 69। यहाँ पे देखिए बेटा, इसको सिंपल करके मैं आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूँ कि 23 और 69 ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख ली। अब इनको ये प्राइम नंबर होने की वजह से, 23 ये प्राइम नंबर होने की वजह से इसको सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा, और किसी संख्या का इसको भाग नहीं जाता। तो 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 1, और 69 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 3, क्योंकि इसके नीचे और कोई संख्या है ही नहीं कि इन दोनों संख्याओं को डायरेक्टली डिवाइड कर सके। इसलिए डायरेक्टली हम लोग 23 की संख्या से ही इसको भाग दिया हुआ है। अब हम लोग ये 23 के फैक्टर लिखेंगे। 23 में ये दो कॉलम आप लोग को कंसिडर करने हैं, ये जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो 23 इज इक्वल टू क्या होगा, 23 × 1, और 69 यानी क्या होगा बेटा, 23 × 3। तो इस तरह से मैंने आगे पीछे लिख लिया हुआ है, 1 × 23 लिखा और 3 × 23 लिखा। एचसीएफ में आप लोग को पता है, एचसीएफ जब हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं तो एचसीएफ यानी क्या होता है, दोनों जगह पे दोनों फैक्टर्स में कॉमन वैल्यू, इसमें दोनों जगह पे कॉमन वैल्यू कौन सी है, 23। तो यहाँ पे मैंने 23 लिख लिया। अब एलसीएम कैलकुलेट करते समय आपको पता है कि आने वाली हर एक वैल्यू जहां पर भी ज्यादा हो वहां पे वो वाली संख्या उठाकर हमको लिखना होता है। तो यहाँ पे दोनों संख्याओं में 3 जो है वो एक ही बार आए हुए हैं तो एक ही बार लिखेंगे, और 23 भी यहाँ पे हर जगह पर एक ही बार आया हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे। तो 3 × 23 = 69, एंड देयरफॉर एचसीएफ ये जो आया हुआ है इज इक्वल टू 23, और एलसीएम जो है वो आया हुआ है 69।
तो इस तरह से ये मैंने दोनों होमवर्क आप लोग को सॉल्व करके बताए हुए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर थ्री की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, दैट इज फाइंड द एलसीएम। अब इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 36 एंड 42। इसको अब हम लोग को इस तरह से दो कॉलम बनाने हैं बेटा, और दो कॉलम बनाने के बाद इस तरह से आप लोग को इसको दोनों संख्याओं को भाग देना है, 36 और 42 को। अब देखिए ये दोनों इवन नंबर है ना। इवन नंबर होने की वजह से इसको डायरेक्टली दो का भाग जाता है, तो 36 को अगर दो का भाग देंगे तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 18, और 42 को दो का भाग जाएगा देंगे तो आपका आंसर आता है बेटा 21। अब ये दोनों जो संख्या है, इन ये दोनों संख्या ऐसी कोई पहाड़े में आती है जहां पे इसको डायरेक्टली भाग दे सकते हैं? दो के तो पहाड़े में ये दोनों नहीं आती, तो हम लोग तीन का भाग देकर देखेंगे। 3 6 18 और 7 3 7 21। तो इस तरह से ये दो वैल्यूज आप लोग को मिल जाने के बाद अब इसको यही पे हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। और स्टॉप करने के बाद आप लोग को 36 के फैक्टर लिखने बेटा। 36 के फैक्टर में हम लोग को ये दोनों ही कॉलम आप लोग को कंसिडर करने हैं, तो 2 × 3 × 7 ये हो गए हैं 36 के फैक्टर। एंड देयरफॉर 42 के फैक्टर्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 42 के फैक्टर्स आते हैं ये कॉलम और ये कॉलम में जो छोटी सबसे आखिरी वैल्यू होती है इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, और यहाँ के दो वैल्यू यानी कि 2 × 3 × 7, तो ये हो गए 42 के फैक्टर। अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेटा एलसीएम। जैसे कि आप सब जानते हैं एलसीएम में हम लोग को आने वाली हर एक संख्या को जितनी बार आई हुई है उतनी बार इसको लिखना होता है। तो यहाँ पे दो जो है वो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है, तो दो एक ही बार लिखेंगे। 3 जो है वो भी एक ही बार आया हुआ है, तो एक ही बार लिखेंगे। 6 जो है वो एक बार आया हुआ है, और 7 भी जो है वो एक ही बार आया हुआ है, तो एक ही बार लिखेंगे। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 3 6 एंड 6 7 42। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लीकेशन, दो वैल्यूज हम लोग को यहाँ पे मिल गई है, 2 3 6 और 6 7 42। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर कितना आता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, 6 2 12 का 2 बचा 1, 6 4 24 + 1 25, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है बेटा 252। और ये हो गया हमारा एग्जाम्पल सॉल्व। देखिए कितना आसान है, और आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग चलते बेटा हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। मैं आपको यहाँ पे सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताना चाहूंगा। ये सेकंड प्रॉब्लम में आपको जो वैल्यूज दी गई हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, 15 देन 25 एंड देन 30। ओके, अब यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, और सॉल्यूशन लिख लेने के बाद ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस यहाँ पे इसके तीन कॉलम हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से पहले इसमें मैं लिखूंगा 15, दूसरे 25 और तीसरा में 30। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये दो जो है वो ऑड नंबर है और ये है इवन नंबर, और इस वजह से अगर हमने दो का भाग देने की कोशिश की तो दो का इसको पूरा भाग नहीं जाएगा, तीन का भी नहीं जाएगा और चार का भी नहीं जाएगा, लेकिन पांच का जरूर जा सकता है। तो पांच के ये पांच नंबर की वैल्यू से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, 5 5 25 और 5 6 30। ओके, और फिर ऐसी कोई संख्या है कि जिसको इसमें डायरेक्टली किसी और संख्या का भाग जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए बेटा दो का भाग देकर देखेंगे, ये जो आने वाली संख्या है इसको एज इट इज वैसे की वैसे ही रखते हैं, 2 3 एज इट इज मतलब भाग नहीं जाता, इसलिए 3 5 को दो का भाग नहीं जाता, तो 5 और 2 का 6 को दो का भाग जाता है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते बेटा 3। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए हैं। एंड देयरफॉर अब हम लोग 15 के फैक्टर्स लिखेंगे। 15 के फैक्टर्स क्या है, 5 3 15, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 3 × 5 लिख रहा हूं। फिर हम लोग 25 की तरफ चलते बेटा, 25 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 5 25। और अब हम लोग चलते हैं 30 के फैक्टर की तरफ, और 30 के फैक्टर क्या आएंगे, 5 × 2 × 3, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 30 के फैक्टर। अब हर एक वैल्यूज जो भी हम लोग को यहाँ पे मिली है इन सब को हम लोग को एलसीएम में यूज करना है, काम में लाना है। तो अब हम लोग को जो जो संख्या यहाँ पे मिली है उनको जितनी बार आई हुई है उतनी बार लिखेंगे। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, तो यहाँ पे भी एक ही बार आएगा। 5 यहाँ पे दो बार है, और यहाँ पे एक और एक बार है, तो हम लोग 5 को दो बार, जहां पे ज्यादा बार है वहां पे लिख लेते हैं। और फिर बची हुई संख्या है बेटा 2,
तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। अब हम लोग को इनको मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को और फिर बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15 और 5 2 10 और यहाँ पे 15 10 का आप लोग को आंसर पता है 150, इसका आंसर आप लोग को मिल रहा है। तो ये हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम हो गए। अब मैं चाहता हूं कि मैं आखिरी वाला जो प्रॉब्लम है नंबर 5 ये लू। अब देखिए ये दोनों प्रॉब्लम आप लोग को एज इट इज अपने कॉपी में उतार लेने हैं, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ गया। इसको अब मैं मिटाने वाला हूँ, लेकिन पीछे थोड़ा सा रिवर्स करके इन प्रॉब्लम्स को आप लोग और एक बार देखकर समझ सकते हैं, लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ बेटा, प्रॉब्लम नंबर हमारा जो 5 है वो मैं प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, और आप लोग को दो प्रॉब्लम मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये दो होमवर्क जो है वो आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिए। थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है ये आप लोग को होमवर्क रहेगा, 18, 42 और 48। एंड फोर्थ नंबर का भी प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क है, 4, 12 एंड 20। इन दोनों का आप लोग को एलसीएम कैलकुलेट करना है। अब हम लोग को बच्चा जो प्रॉब्लम नंबर 5 है वो मैं आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करके बताना चाहूंगा, 24, 40, 80 और 120। अब यहाँ पे मैं जैसे आप लोग को बताया सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसमें आप लोग को कितने कॉलम बनाने हैं आपको पता है, 4 संख्या है तो यहाँ पे आप लोग को 4 कॉलम बनाने होंगे। अब इस तरह से मैं यहाँ पे बॉक्सेस बना रहा हूँ और ये बॉक्सेस आप लोग को इसी तरह से बनाने हैं। अब यहाँ पे 24, नेक्स्ट वैल्यू इज 40, थर्ड वैल्यू इज 80 और फोर्थ वैल्यू इज 120। अब हर एक वैल्यूज को मैं यहाँ पे लिख लिया है मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि 24 को 2 का भाग जाता है, तो 12 to the 24। फिर 40 को 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 20। फिर यहाँ पे आपका आंसर आता है 40 और 120 को अगर 2 का भाग देंगे तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 60। अब 2 का दोबारा इन सबको भाग देना है, तो 2 6 12, फिर 2 10 2 10 20, 2 into 20 40 और 2 30 60। अब यहाँ पे और एक बार अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 5 10, 2 10 20 और 2 15 30। इस तरह से आप लोग को वैल्यूज मिल रही है 2 को भाग देने के बाद। अब आप लोग को पता है बेटा यहाँ पे 3 5 और 15 ऐसी संख्याएं हैं कि जिनको 2 का भाग नहीं जाता लेकिन 10 को जरूर जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का इसको भाग देंगे, जैसे ये 3 जो है वो 5 और ये 15 जो है वो ये 3 वैल्यू जैसे के वैसे ही रख लेते हैं। सिर्फ 10 को 2 का भाग जाता है इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आता है 5, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी बड़ी संख्या से इसको भाग देने की कोशिश करेंगे बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से भाग देकर देखते हैं, तो 3 1 3, बाकी ये जो 3 संख्या है ये 2 संख्या है जैसे कि वैसी रहेंगी, और 3 5 15। अब हम लोग आखिरी में क्या करेंगे बेटा, 5 को 5 से इन सभी संख्याओं को भाग देंगे, तो यहाँ पे 1 एज इट इज आएगा, 5 1 5 5 1 5 और 5 1 5। यहाँ पे इस तरह से आप लोग को फैक्टर, तो अब हम लोग यहाँ पे फैक्टर कैलकुलेट करेंगे 24, 40, 80 और 120 के। तो यहाँ पे देयरफॉर मैं यहाँ पे 24 के फैक्टर लिख रहा हूँ बेटा, 24 के फैक्टर है 2 into 2 into 2 into 3, तो यहाँ पे 2 into 2 into 2 into 3 यहाँ पे इस तरह से मैंने फैक्टर लिख लिए। फिर मैं यहाँ पे 40 के फैक्टर लिखूंगा, 40 के फैक्टर है 2 into 2 into 2, मतलब ये 8 हो गया है और मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हो गया 40 के फैक्टर। अब हम लोग 80 की तरफ चलते हैं, 80 के जो फैक्टर है वो हम लोग को यहाँ पे लिखने हैं। 2 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, 2 into 2 into 2 into 2, मतलब ये 8 16 मल्टीप्लाइड बाय 5। और आखिरी में हम लोग को 1 120 के फैक्टर यहाँ पे लिखने हैं बेटा, और 120 के फैक्टर अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 120 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तो ये हो गए हैं 120 के फैक्टर, 120 के। अब हम लोग को इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम क्या लिए आपको पता है, हर संख्या जितनी बार जहां पर आती है उतनी बार उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो 4 बार यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे 2 जो है वो हम लोग 4 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 जो है वो एक ही बार आई हुई है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। 5 जो है वो हर बार एक ही बार आया हुआ है तो एक ही बार लिखेंगे। अब जैसे आपको पता है कि 2 into 2, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 into 3 5 the 15। अब हम लोग यहाँ पे अगर 16 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपको कितना आंसर मिलता है, यहाँ पे देखिए 5 6 the 30 का 0 बचा 3, 5 1 the 5 3 8, 1 6 the 6 1 1 the 1, तो इसको प्लस करेंगे 0
आठ और छह 14 के चार पचास एक और एक दो, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आता है बेटा 240। एंड देयरफॉर हम लोग यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 240। तो इस तरह से आप लोग का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। फाइनल एलसीएम जो है वो लास्ट प्रॉब्लम का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 240 हमको मिला हुआ है। इसके बाद हम लोग आपको ये दो प्रॉब्लम जो है वो होमवर्क है, ये होमवर्क मुझे अगले वीडियो के पहले तक आप लोग मुझे सेंड करिए। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 4। तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, 2 गज की दूरी रखिए, बाहर जाते हैं तो मास्क ठीक से पहनिए और बार बार हाथ धोते रहिए हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश से। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।